हाय मोरे रामा मोरे राम ए भोले जोगिया हो राम से अपने किया जगत में नाम वह कहानी अमर वह निशानी अमर वह जवानी जो पानी में आगी लगाए बेटा वही कुल को रोशन करे जो वतन पे मरे जो शहीद हो भाई वही भाई बंदी को समझे मौके पे भाई का बाह जो अरे बेटी वही जो कुल की मर्यादा रखे कहते तूफानी जग में नाम कमावे दादा की बड़ी ऊंची बात कहत रहे लल्लू भाई कहा जब सौ चोर मरत रहे तो छिनरा पैदा होता का छिनरा सब चोर मरे तो एक छिनरा पैदा होता रहा कहा जब सब छिनरा मरत रहे तब एक ब्रह्म ज्ञानी पैदा होता रहा अरे संसार के चलावे बरे और कही बरे कामदेव तो सबके पास बह है सबके क्षमता अलग अलग बा गौर करेंगे बिरहा एकदम पारिवारिक गीत है कवि के लिखे पड़ा मास्टर साहब एक लाइन गजल का टुकड़ा लग का अरे या मुहम्मद अरे या मुहम्मद या नबी तेरा मदीना दूर है बरसती ओ रात दिन रहमत बरसती इसीलिए मशहूर है समय पर इंसान इंसान की कीमत करे चाहिए इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मोरे मन कधिक विश्वास फिर कहा था नहीं अवसर आए पे अब जिन चूका मुर्दा के ऊपर जिंदा फूका मुर्दा के ऊपर लाइन लगा बस जिंदा से लोग नमस्कार ही नहीं करा चाहता चला जाता ना एक जन कहा दादा राम राम कहा बछवा ये सोए लिया वह कहा कहा था दादा राम राम कहा अब उदंत है फिर तिबारा कहा था दादा राम राम कहा भांटा लगा तीन दाई बेचारा कह तीनों दाई सुन नहीं पान दोस्त सादे में चला गे तो यही बारे आपको संदेश दिया जा रहा है कि इंसान इंसान की कीमत करिए कभी ने लिखा भाव का ए भैया या देखा हमारे पास चटनी अचार कम मिले तो है बच्चा हाँ अब उम्र के हिसाब से जानत है सब बात पर्दे के अंदर बाहर जाने देना पर्दा हट जाए वहां देना काका लाल जी लहरी कहा ना पर्दा ना हटाओ अब पर्दा हटा दोगे तब का होगा भेद खुल जाएगा हाँ तो आप लोग महान है कहाँ रहे भैया कि अरे आदमी से आदमी का ओ भैया अरे आदमी से आदमी को प्यार करना चाहिए से
स्वीकार करना चाहिए। बड़ा पुरान प्रसंग बा, लेकिन पारिवारिक प्रसंग बा। हाथ जोड़ के निवेदन बा है, 20-25 मिनट के गीत है, सुन के तब आप लोग जाया, इसलिए हमार जो मेहनत सफल हो जाए। काही कि कहता चाहे बाउल, सुनता चाहे शरीर, कहाई वाला एक बात सुनई वाला दो। एक जने कहा वैज्ञानिक बहुत आगे हो गया बा उजाला, एक जने कहा वैज्ञानिक बहुत आगे हो गया बा। हम कहा कितना आगे हो गया बा, कहा यारे यार 4-5 इंची के मोबाइल पूरे विश्व में तहलका मचाए बा। हम कहा बात तो ठीक कहत है, लेकिन जेकरे कान न रहे उका करे, उका करे जे करे कान न रहे उ मोबाइल का कह सकत है। मास्टर साहब मोबाइल हमसे बा, हम मोबाइल से नहीं है। अनियारे जी नहरन है तो चौका के बजाय बेलना पकड़ाई सकत है। हा कही अनियारे पठाई देव जा भैया लेता हुआ, चौकत का बेलना नहीं पकड़ाई सकत। आप परमादरणीय सेवा में श्रीमान बड़का भैया हमारे भोला नाथ यादव अध्यक्ष महोदय, आप होली मिलन समारोह बिरहा समिति के अध्यक्ष हैं, आप बंदी पट्टी चौराहे से आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपया का महा पुरस्कार हुआ। तीनों महान भूतियों को चरणों में प्रणाम बस। सब श्रोता भाइन के नमस्कार बा। दास के कह नाम बा, कहानी कहाँ गया, मध्य प्रदेश उज्जैन पुर जिला से 40 किलोमीटर गठवा सदर के बात या। बड़े भाई का नाम विनोद, मझले भाई का नाम राहुल, और जो सबसे छोटका रहा उ दोनों आंखी के भाई साहब पैदा से अंधार है आन्हर। बाबू की उम्र 70 साल बा, माई की उम्र 65 साल बा। एक दिना माई और बाबू दोनों लड़कियन के बोलायन, कहे बेटा विनोद परिवार में सबसे बड़ा लाल है तू, देखा हम दोनों परानी पक्का आम है, अगर दुनिया छोड़ के चला जाब तोहार दोनों जने के बियाह कह दे, लड़का बच्चा हो गया काम धाम करत है बेटा। मालिक के कृपा से कौनो चीज कमी नहीं बा, इतन के तोहार सूर दसवा भाई आ, एक रोटी तोहार दुल्हन बनी तो आधी रोटी परिवार में खाए और आधी रोटी सूरदास किया। दोनों भाई पैरवा पर माई बाबू के गिर के कहा अरे बाबू, अरे माई ऐसन काहे कहत है तू बच्ची, मेहरारू न बने तो सेवा हम करब तनक हमार भाई है। बाबू जी गते गते समय बीतत चला गया बिरहा में, ठिनी तर्ज लगे मास्टर साहब दादा वाली चला गया। सेवा में श्रीमान आपके बीच में हमारे गुरु भाई है महात्मा रवा शंकर बाबू जी पूरे रघई से 51 रुपया का पुरस्कार के, सतगुरु माता जी सिखी रखे सब भैयन के नमस्ते बा। कहना बहका जब से आ चुलिया हमसे ज्ञानी सोई के बिरहा मरिहान तसिलिया के पीछे, कहा प्रेमचंद भाई हमार रिसर्जी या हम कहा इनका रिसर्जी कहाँ से निकलत है। हम कहा पहले गाँव जब गान हम कहते तोहार कहीं नहीं तो तोहार रिसर्जी आई कचकचवा नहीं है करे। आज के 30 साल पहले दादा हमारे रेडियो स्टेशन में गा रहे हैं, सुनो तो का बताओ थे का कहा धनवा कटाई कहानिया रे कहानिया रे पियवा गैले पर
साहब कुछ दिना के बाद माई और बाबू मास्टर साहब बुजुर्ग दादा दादी रहन दुनिया छोड़ के सुने वाले बड़का भैया चला गए। आप दोनों भाई काम कई के आओ थन घरे पहुंचत हैं है तो दोनों जने अपने दुल्ही से प्रधान भैया का कहत हैं कि घर कब बदल गए रहानिया हो रहानिया हो जब से आए दुल्हनिया यह दुल्हनिया रही है दूसरी पठौनी सूरदास के भूलवाली का कि नाही देवई नाही देवई ओ नहीं दाना पानिया हो दाना पानिया हो जब से आए दुल्हनिया सोचा हो तो नहीं हरि सोचा बल कहन जावे आकाश चला गयन यमराज महाराज तीन जने के मौत लेके निकरा रहे एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर सही बात यमराज महाराज तीन जने के मौत ले बरे निकला रहे हैं एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर जौने के पहला नंबर रहा उही के हिया यमराज महाराज पहुंच गए दोनों परनिया देखें दौड़ के दंडवत प्रणाम केहन कहा महाराज कैसे आपका दर्शन हुआ यमराज महाराज कहा बच्चा है आपका पहला नंबर है कहा है हाँ सरकार मारे खुशी का मारा दोनों परनिया छप्पन प्रकार का भोजन बनाए और यमराज महाराज के सेवा सत्कार किए खियाऊ पियाऊ तो के जाने दया ला गए हमका के जाने छोड़ दे हाँ यमराज महाराज भोजन ओजन कैले हैं केहे के बाद कहा बच्चा थकाई बहुत लाग थोड़ा हम आराम किया चाहिए चार पाई दसाई देहन दोनों पति और पत्नी यमराज महाराज लेट गए तो जौने के पहला नंबर रहा मोतिया उही खिया गवौ रहे उ पहला नंबर वा अपन काट के सबसे आखिरी में लिख दिए काहे बर जान था काहे पहले यमराज महाराज दुई के मुआव देखी तब हमार आए नंबर तो देखा जाए पहला नंबर काट के तीसरे नंबर पर कह दे यमराज महाराज सोई के उठे कहा बच्चा तुहरे दोनों परानी के सेवा से हम बहुत प्रसन्न कहा हाँ महाराज हमार पचन के भक्ति जानत है यमराज महाराज कहा हाँ बच्चा अच्छा तुहरे पचन के भक्ति से बहुत प्रसन्न है तुहार पहला नंबर में उतरा कहा हाँ महाराज कहा अब हम पहले वाले से मौत न करब अब हम आखिरी से मर करवाइया है कहा से आखिरी से शुरुआत करवाइया है फस दू नौ तो चला के बनब नकली बनब जो दूसरे के जटत हो जटात है जरूर बड़का भैया हो दोनों भाई आयन दुल्हनी से पूछ का हो सूरदास के कुछ भोजन वोजन मिला दोनों जने के दुल्हन कहा बताओ कौने काम कहन कौने काम के ये दोनों आँखी के अंधा इनका चली नहवाई दिशा फिराई इनका भोजन कराई कौन पेंशन तनखा पावत दोनों भैया कहा अरे यार माई मारे लाग बाबू मरे लागे एक ठिनी है आशीर्वाद दे रहे कि भाई के सेवा करना भाई को खिलाना पिलाना तो मालिक के कृपा से कौनो चीज का कमी ना हो दोनों जने के दुल्हन का खबरदार भाई तुहार हन खियाओ और लेके रहा और ढ्यादा दबिस देव तो महू पचे पने माई के हिया चली जा मेहरारू बहुत जल्दी ऋषि आबू को रथिन हाँ और का न ऋषि आते हैं तो बहुत कहाँ जाते हैं जानते हैं कहाँ बहुत जही तो बहनी उरे जही फुफुआ उरे जही ननी उरे जही मम्मी उरे जही अब मर्द ए बिना पता के जाते मर्द अपने गरिया ही अपने मरही मोबाइलिया दे दे ही मर्द अगर गरिया के मार के अपने बिना पता के चली जाए तो लोग पूछबो करत है
कार रमदैया काही रोवत का भ पता नहीं। आज 5-6 दिन पुणे गरिया न पुणे मारन आज बिना पता बिना पता कहा बिना पता का नहीं बीता गान हफ्तन घूमन टहरन फेरी आन ससुरारी पहुंचन भाई साहब जौन ससुरारी बढ़िया दही वही लगाई के बैठा बैठा रहन चार पाँच तो से भीतरे सरहज का तो का हो बहन वही आएगा खिसनीपुर के नहीं बीता तो यह बड़े बतास करा कि नरम गरम दोनों होते दोनों जने का दुल्हन जब तनी बात कहीं तो दोनों भैये आपस में विचार करे लागे मझिलका जवन बा उ बड़कवा से कहते भैया ए न तोहार मेहरारू सेवक कई पही न हमार एक ही बात तो का बताई कह बताओ का बताओ था बिरह में भाव बा एक दिन तू नऊ भैया मिलके मन में अपने करई विचार चला चली राजा बिकरंग दिन जहां लगता है बड़ी बजा जो सौदा बिके हुआ ना राजा करते खुद खरीदा सूरदास के लेके पहुंचे जहाज पास बही नरना दुनौ भैया कहे न तोहार मेहरारू सेवा कई पहिन हमार आवो चली राजा विक्रम के हिया बाजार लागत जवन सौदा नाही बेचात ओके राजा संझा की सोयम खरीदे थी बड़का कह लहनोई बैठ गे आजकल बहुत जमाना खराब हो गया बा मास्टर उ जमाना आगे निकल गया कि माई हरे रहन तो बड़ा सेवा सत्कार कई लेत रहन आजकल के मेहरारून के केवल मोबाइल दई दे बुराई दास नहीं करत तो देखे बा जवन और इनका काम कही दे तो गुस्से इनके लागत है ओ समय कितना इंसान के भाग चुका बा है। अब दोनों भाई कहा यार बात तो ठीक कहत का किया जाए कहे भैया बस वही राजा विक्रम खियन ले चले नहवाए धोवाए के सूर दसवा के जासमी के तेल लगाए के साइकिल के केरियल पर बोरिया धाय के बैठाए के दोनों भाई पकड़ के लेके चल दें पहुंचे राजा विक्रम के बाजार में एक लाइन में भाजी दूसर के लाइन में बीज भंडार तीसर के लाइन में ओढ़ना कपड़ा का दुकान चौथे लाइन में बूचड़ खाना बूचड़ खाना का है? अरे मुर्गी भे मछली भे दारुआ होन के देखे है कि नहीं जो दारू वारू पिए रहते है अंडा का दुकान है जब यही एक सीसी मार नहीं बिना पानी का भाई साहब हम लेट कई रुपए बना रहे हो ऐसा हम चीज जना को ठेलिया खरीद आई है और नहीं दुइये अंडा दाम पूछ के हाँ हो जना ही पिए हुए रहता चुप्पे से सोचत के देख भाई दुई अंडा दे देता हम हो निकरी जाए इत मनाइन के चला किया। अब दोनों भाई लेके पहुंच गए देखा था चारों कैती से बाजार लगा बा बड़कवा भाई कहता है मझिल के भाई से राहुल ले चला हुई राजा का महलिया का बगड़िया हुई महुआ का जरिया के लग साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके सूरदास के उतार के बोरिया दसाए के सूरदास के बैठा दे बैठा के दोनों भाई दहिने बाएं कैती बैठ गए गौर करेंगे बाबू साहब परिवारिक गीत है मालिक जेके बनाओ कायदे से बनाओ भाई नहीं जेके रचो काम गड़बड़ बकर सेवा नहीं होता है हमारे तोहरे यहाँ जवन बूढ़े पेंशन पावत हन उनकर की तो लालच में होता अच्छा अब की तो जेकर माई बाप लायक पैदा के हैं जब महतारी बाप हमदर्दी हैं उनकर सेवा होता बकिया तिसरके का कहाँ हो वाला बहन बड़का भैया हो अब दोनों भाई बैठा हैं 12-3 बज के कौनो गहकी नहीं आवत हन केहू सामान खरीदा तो ओढ़ना कपड़ा लेता केहू के साढ़ू आए हैं तो कहा जीजा पनीर खात खात जीव भी आ गया भाई अंडा ही लेता है बाजार चलता है मार साहब लेकिन गीत में भाव है का स्वर्गीय जनाब हैदर काका गावत रहने गीत के हाय 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 झको रामारई झूलनी वही साड़ी लहराई हो झको
चला जाथन। 12 से 3 बज के बरसवा का तो लागत के अनहरा के फिर घर ले जाए परे का राम कौने कुसैती से ले आवा। दोनों भाई खड़ा होकर कहथन का कहा अरे आवा आवा भाई कहा अरे आवा आवा भाई लखरीद कौन मनाई आवा आवा भाई। के सुंदर कलाकार आप परम आदरणीय समाज के सम्मानित दुर्गा प्रसाद यादव भाई स्वर्गीय बाबू रामदेव के खाड़े से आप कलाकार है आपको 51 रुपया का मां पुरस्कार हुआ आपके चरणों में प्रणाम। सब भैयन के नमस्कार। देखा जावन गाहती तमोहा भी चकाई तू न भाई सारे गायन पगलाई आसमान हो इनका पटकी जैसे सनाई आवा आवा भाई से क्यों खेदे उदे नहीं बहे है। हाँ कि भागे जब को पहेटे हटे पर गोली वोली चलता है। भैया हो दोनों भैया कहाँ तहन जब 3 बज गए भाई साहब ए भैया हुआ वो एक थी सौदा हम हो रखे हैं जौन का किरण कहे बस भाई माफ कर हमार सड़ुआई नहीं आई बह है आए है यहाँ सामान ले बढ़िया चूतिया बना हुआ बैठा है दुई आंखी के अनहर लेके बाजार में बेचते है हाँ पैसा लगाई चली अनकर से वो करी वाह वाह धन्य हो प्रभु एक पौधान और कस के राजा हिचे चला जाता है। हाँ गते गते 6 बज गए एक गहकी नहीं बाजार उठी गए। अब दोनों भैया सोचन कि का किया जाए एक अनहरा के ले चले के परे मेहरारू ही के कारण ऋषि आई के चली गई बनवे खियावे के परे राम करित का करित तब तक राजा का मंत्री आया भाई साहब ए क्या बैठे हो। अरे कहा सरकार एक सौदा लेके महू बैठा है मंत्री युवा देखे कस में ये कौन सौदा है। हाँ यहाँ बाजार में देखा था ओढ़ना कपड़ा साग सब्जी बेचा था ये कौन सौदा। दोनों भाई कहें अरे सरकार राजा कहिया वह दे बोर्ड टंगा बा कि राजा कहिया बाजार लागत था और जौन सौदा नहीं बिका तो का राजा संझा कि स्वयं खरीद ले। अच्छा अच्छा ठीक है ले चलो कहा ले चली सरकार कहा ले चलो राजा के दरबार में। मंत्री के देशा अनुसार दोनों भाई पहुंचन सूरदास के पकड़ेन भाई साहब लेके चल देन पहुंचन अंगने में एक कुर्सी पर सूरदास के बैठाई देन। मार साहब जब बैठाई दे तो बिरहा में टेरी के बोल ला का हाय सागर में जैसे मोती मिल गई रामा 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 यार मोरे रामा सागर में जैसे मोती मिल गई चमन खिले जहाँ ज्ञान की वर्षा होती सागर में जैसे मोती मिल गई भैया हो। अनमोल कीमत पर दोनों भाई सूरदसवा के बेच दें का बिना कीमत का बारे हमार देश बारे हमारे देश का मनई लालच बढ़ जाता है स्वतंत्र जी इंसान की ईमान खराब हो जाता है रिश्वत आवत है पहचान खत्म हो जा हमार बहनोई हन कमा सार का दूसरे जीजा दे दे तो तर्क का गजवा और आगे बढ़वाई दी आ और जब गुस्सा आवत है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जात है आ और जब चिंता आवत है तो समय लेके चला जात है। ये 4 चीज से जो बच गए तो बच गए नहीं बचे वाले नहीं है ना।
अब सूरदास के अनमोल कीमत पर बेच देन। सूरदास के बेचे के बाद दोनों भाई जब मास्टर साहब पैसा लेके निकरे लागे काहे कि गलत काम करबत देवाल के भी कान होत। अब वो बेचारा देखत नहीं रहा तो करे संगे ऐसा दोनों भाई करेन काहे बेच के निकरत हन। सूरदास जान के कमार भैया हरे हमके देते हैं। पहुंचा कुर्सिया पर से खड़ा हो के पहुंचा मार साहब पौआ पकड़ है अपने बड़कवा भैया का। अब पकड़ के कहा था है का गीतियम बिरहवा में खित तर्ज लग ग एके अपने पचन की हिया जब धान लागे लागत है तो लगवही गीत कहत थे। हाँ का कहत थे हाँ माताएं बहिने गावत थे कैसे कहा होगी गैलन सूरजू छिटकी गैलनी घमावा होना दरू मोर लागई सूरजू की इनिया होना इसी भाव में जब सूरदास जानगत कहता है साहेब का काई मोका का ही बेचा मरे सुनिला बीरानावा होना भैया हम काली आए चल भावनावा होना वाले मित्र। और सूरदास बेचारा पांव पकड़ के बड़कवा भाई का ए भैया ए हम जान गए हमके भैया बेच के जात है हमार कसम है भैया हम भीख मांग के खा लेब लेकिन हमके बेच ना। पांव से ऐसे झटक देस बड़कवा भाई आई महुआ के जरी के जो साइकिल खड़ी रही दोनों भाई साइकिल पे बैठे पैसा के आधा बंटवारा रास्ता में कई के चल देन घरे। दोनों जने का दुलाहिन का हो पिंटू के पापा संतोष के पापा तोहरे भाई करा कहा है कहा अरे उनका तो राजा के हिया बेच दिया। दोनों जने का दुलाहिन दक्षिण कहती मौके कहा ये गंगा माई पानर पुनोसी नहाबई अंधरे से जीव भूल गया कैसे अंधरे से। अब समझे चल कितना बड़ा पारिवारिक में भाव बा ए ननकल पापा जब भर तोहार भाई रहे सूरदास कब हम खाद पियत नहीं रहे पैसा पाए पहले जा कुछ लैया बाजार से ताई भाई के बेच के आइटम खवाता। अब हर दोनों भाई बेच के अपन परिवार लेके घरे रहे लागे। अब सूरदास बचाई गया तब तक राजा आ गया मंत्री है अरे भाई कल कौन सौदा आप खरीदे थे कहे सरकार वाह बा बैठा राजा देखे कहे कसमे कौन सौदा है मंत्री हुआ कहे सरकार का करी सब बचाई रहा यही भर तो बचे ही रहा कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है इसको नहवाओ धोवाओ और नहवाए धोवाई के सौ ग्राम भेवा चना तौल के नाश्ता में देना ठीक है सरकार लगन दुठ नौकर नहवाए धोवाई के सौ ग्राम भेवा चना तौल के दे देन एक एक दाना सूरदसवा चबा तंद जुबे में। अब एक एक दाना चबा तब तक राजा नहाय धोई के लगभग पौने ग्यारह बारह और करीब में सोचे नहीं चली जवन सौदवा हरा के खरीदे है हमार मंत्री देखिए कुछ कामों में लाए बा कि भर्ती यही हमार जाता है मास्टर साहब कहना पड़ा का सेवा में श्रीमान आपके बीच में श्याम सुंदर प्रजापति आप भंवरगढ़ बंदी पट्टी से आप बड़का भैया कोर से 101 रुपया का पुरस्कार हुआ भैया के नमस्ते प्रणाम बहा है भाव में लगा मास्टर साहब का ए,
है राजा लिया रहो पूछ सूर से बयलावा उलट पलट सूरदास जमाए सोना केवल यह मन बताए ज्यादा लागे इसका भार हो पूछ सूरत मिनट और बा राजा साहब सोचे नी खरीदा गवा पैसा का और 100 ग्राम चना रोज चबाता है चली देखी कुछ जानकार बा राजा साहब एक स्वर्णकार से रानी साहिबा का नौलखा हार खरीदे रहे लेके पहुंचे सूरदास के पास कहा सूरदास हाँ सरकार कहा तनी देखो ये रानी साहिबा के नौलखा हार लिए है ठीक ठाक बा चनवा का कटोरियवा धई के राजा साहब जब देहन कहा देखो 100% सोना है सूरदासवा अपने हथवा में लेके दुई दाई अलट पलट कह हजूर आप जटाई गया राजा साहब कहा आंखी न दीदा कब कजरौटा ससुर के नौ नौ ठीनी एक तो दोनों आंखी के तू आन्हर हमका कहत है जटाई गया उल्टा चोर कोतवाले डट सूरदास का सरकार हमार विश्वास ना करो तो जाने सरकार कले हो का बुला के पूछ ले अगर हमार बात गलत निकल जाए तो तुहार कोड़ा हमार राजा कहां इस बाजू लगावता आ इसमें मिलावटी है ए भाई साहब राजा साहब मंत्री पठाई देहन ए मंत्री हाँ सरकार कहां जाओ फलाने सरकार के बुला लिया अब सरकार बेचारा सवेरा मास्टर साहब दुकान उकान खोल के अगरबत्ती लेके लक्ष्मी गणेश के हिले उतर रहा है अब तब तक पहुंच गए नौकर मंत्री के पहुंचा सेठ जी हाँ भैया चलो तो के राजा साहेब बुलाए ना सौनकार सोचिस कि वह दिना तो नौलखा हार ले रहा नहीं लागत करीर माल नहीं खा राजा अगरबत्ती जल्दबाजी में धाई दे शटर गिराए दे भीतरी सुलगत गद्दा उद्दा सेठवा को हर हाँ वह हर भीतरी सुलगत है तब तक सेठवा आई गया राजा की हो ये बताइए राजा साहब कहथन सेठ से सौनकार से जौन उस दिन रानी साहिबा के नौलखा हार आप दिए थे उसमें 100% सोना बा सौन करवा कहे सरकार एक ठी बात कही नाराज न हो तब राजा साहब कहे बताइए सौनकार कहे का हम जवन जाति है अपने बहिनी और बिटिया के नहीं हुई तो राजा हम तोहका हो गई कौन ऐसा सोना रहा है सब 100% सोना दे सकत है कभन दे कुछ न कुछ हम ताका टाबा मिलावटी देबे करबे करे पुरनका आखिर कहते नहीं गौना में करे यार इनसे ले था सामान लेकिन पहिरे भले जिन तीन दैया दलबे बदलबे ए नहीं कहोई जाए आ डाटन राजा साहब सरकार चल दे बस बस साबस सुरे बे या का सरकार कहा सूरदास का 100 ग्राम चना और बढ़ाई दे कितना हो गया 200 ग्राम सूरदासवा का चना हो गया बाबा रामदेव की नहीं योगा चालू हो गया बा कहा जा भाई हर जा भौजी हर भले बेचवाई दे हो अगर एक आध साल रह पाऊ न मैरब यहाँ कैती से देवाल वहां कैती टूट जाए गते गते समय बीतत चला जाता मास्टर साहब बिरहा में एक लाइन बड़ी रंगीन तर्ज लग गए का जिया सर काका ये तर्ज के गावत रहे न का कहा यार रे 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 कहा यार पैसा के कारण बिगड़ गई ले जोड़ा बिकाई ए बाबू की ए पास घोड़ा
कालेश्वर काका कलाकार थे मास्टर साहब, लेकिन इसी भाव में कहना बहका का सुनिया जी कराया बखोड़ा लिया आया राजा काबुल से घोड़ा सरकार का करब कहा यार चले जब काबू लिखे घोड़ा का बच्चा ले वो का खवाऊ पियाऊ सयान होए तो पर सवारी का हां ऊपर चढ़ाब राजा साहब मंत्री के लिए काबुल पहुंचन घोड़ा का बच्चा खरीद लेन लगन पछवारे चन्नी में बांध के घोड़ा का गाड़ी पछाड़ी भूसा चना मिलाई देन घोड़ा का बच्चा खाई लग राजा साहब कहे मंत्री से मंत्री कहे हां सरकार कहे तनी हुई सूर दसवा के बोलौते यार देखी कुछ जानकार बा है चना दूध सही ग्राम चबाता है यार अरे महाराज का बोलो बस साई सुदिन चीज का ना 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 बुला उसको तब राजा साहब सूर के बुलावा ले सूरदास आए तब कनवा टटोला ले राजा के देशाए अनुसार मंत्री युवा गवा सूरदास ले 200 ग्राम चना कटोरिया में सूरदास हाँ भैया चलो तो का राजा साहब बोला ए भाई कौनो गलती हो गया का बताई देता ना है पछोरो ऐसे निकल जे कहा नहीं यार तोर जरूरत है भाई साहब सूरदास पहुंचा राजा साहब कहा क्यों सूरदास नाश्ता हो गया हाँ सरकार नाश्ता करत रहे कहा देखो यह घोड़ा काबुल से ले आवा यह खवाऊ पियाऊ सयान हो दौड़ी कि ना दा दौड़ी सूर दसवा जब काने पर हाथ रखे तो घोड़ा सारे कान गिर गए और करे बाद गते गते जब पिठाई पर हाथ रखत रखत सरकत सरकत पहुंचाई देश कहा पीठी पर रखे जब भाई साहब सूरदास तरे मुड़ के कह राजा साहेब आप जटाई गया राजा कहा आ सूरदास कहा आप जटाई गया कहा भाका सूरदास कहत का एकर माई लाग बते खच्चर से जोड़ा लिया है राजा का बुलते घोड़ा जूता मार दे बस संतोष बा लेकिन जेकर नमक खाई ठोकर अदा करी थी एक पहटा दौड़ी ओड़ी ना भरती तोहा डूब गया बा एक खवाऊबा पियाऊबा सयान हो तो केवल भट्ठा पर सघड़ई ढोई ईटा ढोई और नहीं जौने व्यापारी का ले हा जाय को से पूछ ले बात गलत निकल जा तो तोहार जूता हमार राजा सोचे ने यार जौन काम करे जा थे ससुर ही परी दाव लगावता इ कौने नेत्र से देखा तो बाजी लगाई बरे मार के अच्छा मंत्री हाँ सरकार चलो काबुल राजा साहब गयन काबुल व्यापरिया देखे दौड़ा सोचे कुआ दिना घोड़ा के बच्चा लेन लागत है करे और जानवर बड़वा ले जरा हाँ सरकार राजा की जय हो क्यों व्यापारी उस दिन जो घोड़ा को बच्चा आपने दिया था ओका खवाऊ सयान हो दौड़ी कि न दौड़ी व्यापरिया कहे सरकार आप राजा हम व्यापारी अब कौन ऐसा व्यापारी यह कि 100 में 20% न झूठ बोलत हो स्वतंत्र जी एक दिन खोवा लेके मिलन हम कहा अरज के मैं चिखल तो कहा तोहरे ला है ये नहीं बा हम कहा का बा कहा हमें फिटकिरी मिला बा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन मिला मिला बीच तो है ना हाँ मेरे दोस्त ओ सूरदास के देशानुसार राजा साहब जब पूछे लागन व्यापारी व्यापारिया कहा ए सरकार आप राजा हम व्यापारी कौन ऐसा व्यापारी है कि 100 में 20% न झूठ बोले अब आप पूछते ही है राजा साहब करे माई के ढील दे रहे चरे बरे के एकरे माई के ढील दे रहे चरे बेरे ठीक खच्चा सरवा आए लगी के उही के बच्चा के जो तोहका मंत्रियवा पकड़ के भाई साहब हंसई लगा रुमाल कह तनखा न बढ़ऊब तैसे जटावे हाँ राजा तरे मुड़ी कह के पहुंचन घरे
महल के अंदर नौकर बलाने दारा। हाँ सरकार, कहा सूरदास के नहवाए धोवाए के 100 ग्राम भेवा चना तौल के और अंदाजुआ में ना आए तौल के देना। हाँ और बढ़ाए दे, 300 ग्राम चना, आधा प्याज आधा नेबुआ, 10 ग्राम काला नमक परे लगा, गैस वैस न पकड़ पावे। गते गते 20-25 दिना बीत गया। राजा साहब कहा कि यार सरदास आप कमाल के आदमी है, जब 20-22 दिना बीत गए मास्टर साहब तब तो होत का भाई कभी के लिखे पड़ा का आल्हा। एक दिन राजा पूछा सूरस बयानवा, कह रनिया कह मारे बताई देता सूरदास। राजा सुना हमारी बतिया, अब दवा में राजा जी न की है तू बवा। बीस बाईस दिना के बाद राजा साहब सोचन की बहुत गढ़ता, आज ऐसे एक चीज जरूर पूछब, 300 ग्राम ससुर का चनौ चबाता है, हम है चुतियो बनावता है, देखी सत्य सत्य का होत है। राजा साहब आन सूरदास बैठा रहा 300 ग्राम लग चना, कहा सूरदास रानी साहिबा का नौलखा हाल ले आए वह सही बताया, काबुल से घोड़ा का बच्चा ले आए वह सही बताया, हमारे रानी साहिबा का अगर चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण बता देब तो जान जब के कुछ जानकार है का। ना 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 सूरदास कहे ना, अरे नहीं सरकार। राजा कहे ना 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 बताना पड़ेगा अब। आएगा 300 ग्राम चबना चबातरा सुर दसवा कहे सुन सरकार, अब पूछा था तल बतावो था ये का। कहे सूरदास राजा सुना हमारी बतिया, बदावा में राजा जी न की है तू बवाला। शरम राजा भेजा तत्काला, सूरदास का ये सरकार अपने रानी साहिबा के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण के बारे में जाना चाह, तो आज 12 बजे रात नग्न बदन बिना कपड़ा के वही गलियारा के कह दे वाली आए जौन हमका कमरा दे हर रह बरे आ वही हमारे सामने से गुजरत फिर चली जाए। राजा साहब कहा ठीक बा, गए राजा रानी के पास शयन कक्ष में आराम करत रहे, दासी पाऊ तो बहुत कहे रानी है आज 12 बजे रात हुई अन्हरा के समन्वय से आ नग्न बदन बिना कपड़ा का चली जा, तो रानी का चुप रहता तोहरे लाज नहीं लागत का। अरे कहे का यार देखा था का दोनों आँखी का अन्हर मनई बना, हाँ अगर देखत हो तो ठीक रहा लेकिन आन्हा रहा है। अब रानी कैसे न माने बात आ राजा का, नग्न बदन भाई साहब चल दे रानी साहिबा, जब चल दे तब होत का मास्टर साहब, वो नग्न बदन आई रानी तब समनावा। ठुमक त चाल होय के चलल निहाला, रानी साहिबा पैजनिया पहिरे रहे, जब अन्हरा के सामने पहुंचीन मारिन छम मार के निकेरी गईन। सबेर भवा राजा साहेब पान घूमत घूमत राजा विक्रम कहा क्यों सूरदास हमारे रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण कैसा। सूरदास के बस चुप पई रह सरकार, जिन तू हमार पोल खोलन न हम। राजा कहा बे बताओ बतिया का है आ? तब सूरदास कहता का, कहे सूरदास यह बेशक करीनावा, सुनी बात राजा हो गई लनिहाला, आगे तो बयानवा सुना हो मोरे मितवा। राजा साहब
से सूरदास कहा सरकार आपका रानी साहिबा पक्का बेशक कर मीडिया है के कर बेशक और न हमार विश्वास कर तो जाए के अपने ससुरारी अपने बूढ़ा से पूछ ले बात गलत नहीं कर जाए तो तोहार जूता हमार राजा कहा ससुर का पहले यहाँ तू कैसे अंदाजा ससुरारी तब जाब कर लपेटत है हमके अब तो हमार हुक्का पानी सब बंद ही हो जाए लेकिन तो अनहरू तो का पता कैसे सूरदास कहे सरकार दोनों आंखी का अनहर मनई के सामने अगर बताओ हाँ जब पैजनिया पहिर के मारत छम छम अब कहूँ अगर जब भाई साहब देखत होते तो दुनिया जानते का करते राजा साहब तरे मुड़ी कह के मंत्री युवा के लिए आए के चल दे ससुरारी सवेरे के समय रहा बूढ़ा दू तल्ला मकान पर अम्मा पाला खुश रहा मेहमान बैठा चाय पानी बनावत ही है राजा साहब गुस्सा में एकदम बारूद कहा तुहार शरबत और नबुआ या उस चाय ऐसे तैसे पहले ही वो खानदान में हमारे हुक्का बंद हो वाला भाई है अब तोका लाग भैया चाय आ बूढ़ा आई गई कस मेहमान का बात है बड़ा नाराज है अम्मा हमार कसम या हमार मछुआ सही सही बताऊ इस जवान अपन बिटिया हमारे संग है बियाहे हो इ बबुआ के की केहू दूसरे का एक चीज जान ले कामता प्रसाद दमादे के कीमत औरत बहुत करत थी हाँ मेहरारू सब हाँ झगड़ा हो जाए तब देख कहे तोर पूत मर जाए तोर भतार मर जाए तोर परिवार मर जाए तोर दमाद कहा देख रहा धीनवा कमाइए बर्दाश्त के बहरे तई बोलत है हमार बेटवा करिए हमार मन से दुख कैसे हमारे दमादेव चढ़े रे एक चुटकी राखी लेके खींच ले बबुआ अम्मा सही सही बताऊ बूढ़ा कहे मेहमान तू पूछते है तो पहले हम कोठा पर काम ही करत रहे ऐसे ही गड़बड़ाए के काम की जोनी बिटिया पैदा भई तोहरे संगे बियाह तब से तो मंत्रियवा दुई कलैया खाए कहे बड़े बड़े राजन के तनी बड़ी कहानी चलत इतिहास में भाई रखा बा धन्य हो प्रभु राजा कहा चुप बे चुप हल्ला न करे ना ही महल से निकलवाई दे भाई अच्छा सरकार ठीक बा तरे मूड़ी कह के राजा साहेब आयन एक ठी नौकर पानी ले जाबे यहाँ कहाँ जाते है? सरकार जाता ही है नाश्ता का तैयारी कर कहाँ नाश्ता 20 मिनट के बाद पहले 100 ग्राम भेवा चना सूर दसवा के और तौल के तौल के हाँ और बढ़ा तौल के अंदर जुआ नहीं 400 ग्राम चना अब जानते क्या करता मुठ्ठा मारता और का समझत है एक एक दाना चबात 5-6 दिना लग जाओ के चबाई में भेवा चना भाई साहब सूरदास कहा जा भौजी हरे जा भाई हरे भले बेच दे भाई हरे जात कंपनी में आई है जहां रह तुझे खुशहाल रह जा सो घरते गते एक महीना बीत गया एक दिन राजा साहब कतौ जात रहन मास्टर साहब सोचत विचारत वापस लौट आए कहा सूरदास रानी साहिबा के नौलखा हार लिया वो भी आप सही बता काबुल से घोड़ा का बच्चा लिया वो भी आप सही बता हमारे रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र वो भी सही आप बताए लेकिन हमार व्यवहार हमार संस्कार हमार प्रेम हमार चरित्र तो का कैसा लगा अरे कहा नहीं सरकार कहा ना ना पड़ेगा अगर बताए देबा सही सही तो आपका नाम आधा राजपाठ लिख दे सूरदास कहे अरे नहीं सरकार कहा ना राजा कहे बताना पड़ेगा राजा पूरे नगरी में डिग्गी पिटवा दे पूरे नगर के लोग इकट्ठा हो गए सैकड़ों कुर्सी लगी बाए दोनों तरफ से और दो कुर्सी एक कुर्सी पूरब कहती एक कुर्सी पच्छू पच्छू वाले कुर्सी पर सूरदास के बैठावा गया पूरब वाली कुर्सी पर राजा साहब अब पंच के बीच में राजा साहब ऐलान किया कि अगर सत्य सत्य सूरदास बात बताई दे तो पंचो आप लोगों के समक्ष में आधा राजपाठ सूरदास के नाम हम कह दे लेखपाल साहब हरे आय के खसरा खसौनी पलटत हैं अब पंच लोग का था सूरदास बताओ सूरदास बताओ सूरदास कहे नहीं सर कहा ना 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 बताना बत तो आय के सूरदास कहे पंचो सुनो एनहू को बताओ थे आखिरी लाइन बगी कहा या राजा सुनो तोहरा बताओ थई कहा या रे सौ सब राम चना बढ़ाए ए राजा पतिया बताने से तू बनिया का लड़का राजा पाता पाए दाने से
चार जूता हटा सकत थी सरकार, लेकिन सत्य बात बोलत है ए पक्का महजने के लड़किया है बनिया का पांच लोग कहा कैसे साबित कर कहा सरकार जय बात बतावत है तई दाई तौल के हमें 100 ग्राम चना देते हैं। अगर राजा हैं यही राजा काम होता, राजा होते तो कहते ना जायदा अनहर धुना रहे जौन पेट भर खावे हो खाए ना, जय दाई बतावत है बात तई दाई तौल के देते हैं। ये पक्का बनिया का लड़का है और न विश्वास करे जाए तो अपने माई से पूछे माई। राजा कहीं अब भरते हल लपेट सब ससुर का वो हमूर लपेटत है माई के लपेट निहुरे निहुरे राजा साहेब उनकर माई शयन कक्ष में लेटी है दासी लोग पर ए माई जवन अनहरा के खरीदे रहे उ कहता पक्का तू बनिया का लड़का सही सही बताऊ महतारी दूध है पूत बड़े भाग से होते सत्य बात बताऊ। रानी साहिबा राजा के महतारी कहे बिटवा तोहसे बड़ा हमारे पास धन दौलत क्यों नहीं है जौन है तू ही है अब पूछता ही है लाला तू आज राजा भय है आज के 20 साल पहले हमारे ऊपर इतनी बड़ी गरीबी रही राजा बेटवा तहान नाना आए रहन खाए पिए के कुछ रहा नहीं फलाने महाजन के दुकान गम का भैया हमें 1 किलो आटा दे दा आधा किलो चावल एक पौआ दाल महाजन कहा हम सौदा उधार ना दे हम कहा महाजन कैसे देवे कहा आवो वही पछोरो घंटा आध घंटा बोलो बतला कात किलो कात कुंटल लेके जातू ना भंडारा कर गड़बड़ा काम बेटवा जो तू पैदा सत्य कथा है मास्टर साहब। राजा कहा गए अब आधा ग आधा ग लेखपाल साहब हर लागे नाम चढ़ावे राजा साहब आन दोनों हाथ उठाए कहे पंचो मैंने 4 सवाल पूछा चारों का उत्तर दिया सूरदास मैं इनके नाम आधा राजपाठ कर रहा हूँ। अब सूरदास जब पाई गया आधा करे नाम हो गया तो कुर्सिया पर से टोवत कुर्सिये टोवत टोवत कुछ दुर्गत एक सज्जन से कहे भाई है आज के हमारे भैया भौजी हरण के संदेश दे देते जवन बेचे रहन भाई जब हुआ मरैया में रहत हो तनक भाई है न गलती भले केहन लेकिन हम गलती न करा सुने वाले दोस्त दोनों भाई दोनों भौजाई आए चरण पकड़ के सूरदास के रोई लागे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया। सूरदास बोला ना अगर बेचे न होता तो कैसे हम राजा का आधा राज पाठ ले कौने नेत्र से तिसरका नेत्र तिसरका नेत्र के कहा थीन पहलवा हम सोचत रहे स्वतंत्र जी तिसरका नेत्र पछवा होता सब कहा शंकर जी तिसरके नेत्र से देखा थे ना तो हम सोचा पछवा होता लेकिन अब जाना कि तिसरका नेत्र ज्ञान को कहते हैं आखिरी लाइन में कहना बहतिरहा के माध्यम तब तो बाबू राम कैलाश के लिखा पड़ा कहा भाई बटवारा में जो करी है बेईमानी और सुखी ना ही रही कभा सुखी ना रही परानी हर माया के नगरिया में कबो न फले परदेसिया नगरिया तजी के चले सुमेरा तूफानी कान में नाही बेईमानी रामा रामा यार हमर रामा गाँव प्रेम चंद पहिर के कुर्ता धोती सागर में जैसे मोती मिल गई सेवा में श्रीमान बाबू लाल बहादुर स्वतंत्र आप कलना भंवरगढ़ होली मिलन समारोह बिरहा समिति के बंदी पट्टी चौराहे से आप लोग अध्यक्ष महोदय सब भैया के चरणों में प्रणाम दास का कह नाम बहाया बाबा सैया हो का? सैया हो तो है कैसे मनाई तल जवानी आई गैले वृद्धा पनावा